अब तो आप चाहता हूँ तो जी हमारे जी रिश्तेदार आए थे, कल आए थे हमारे रिश्तेदार, ये रात को और आज सुबह निकल भी। के बारे में बोल रहा ना तो धुंध के बारे में ये मत समझना कि मैं ये कह रहा था जिम भी ना हो, कहीं थोके हुआ चिंगम पड़ी हुई है, तो आई डोंट फील बेटर यार, मैं अपना बता रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। होप करता आप सब हेल्थी होंगे, गुड होंगे, फिट होंगे, हैप्पी होंगे। आज है संडे और मैं अभी जस्ट सो के उठा हूँ। कल रात को ना मेरे दो भाई आए थे, मेरे बुआ जी के लड़के आए थे, तो रात को हम काफ़ी लेट हो गए थे, 1-1.5 बजे तक सो पाए थे हम। और आप उनमें से एक को जानते हो, कृष्ण को। वो जब मेरा मैंने व्लॉग डाला था कि डिनर के लिए जा रहे हैं हम रक्षाबंधन वाले दिन, रक्षाबंधन वाला व्लॉग डाला था, उसमें जो हाई नहीं कर रहा था जब हम डिनर करने गए थे अमंस में, तो वो है। तो उसके साथ ना मज़ा बढ़ाता है, हम उसके मज़े लेते हैं, वो हमारे मज़े लेता है, हम उसका मजाक बड़ा करते हैं। तो अब बज चुके हैं 10:30 सुबह के और वो अभी तक उठा नहीं, और मैं उसे उठाने जा रहा हूँ। मेरे साथ ही सोया था रात को, तो मैं उसे उठाने जा रहा हूँ और आप लोगों से मिलवाता हूँ। और मेरा जो दूसरा भाई है उसका नाम है तनु, वो भी आया हुआ है, दोनों आए हुए हैं। उठ जा, उठ जा, रोटी नहीं खाने के यार, फिर परौंठे मिस हो जाएंगे फिर तेरे यार। फिर सीधा तो वो कहागा कि मुझे परौंठे दो दोपहर को, तो जल्दी उठ जा, देख यूं नहीं 10 बज गए। शाबाश यार, फिर सो गया यार। तो ऐसी इस तरह का क्वेश्चन यार, जल्दी यार। रात नू भाई 12:30-1 बजे रसोई में कौन गया था, किचन में हम तो तो साढ़े 12-1 बजे किचन में क्या लेने गया था भाई तो रात में। अरे बर्तन खड़के थे यार, हैं क्या लेने गया था बर्तन खड़के यार, इतने यार बर्तन खड़के इतने, बता तो देवी। नहीं भूख लग रही थी क्या? मैं नहीं गया। अब तो आप चाहता हूँ आ गया तो उठ जा शाबाश, ये हो ना बात, ये डर जा परोठे खाने। अब परोठे खाने के बाद फिर हमने लंच करना है 2 बजे करीब। अच्छा सब देखते हैं और अरे वाह जी वाह, चल बढ़िया बात है, फिर फेमस हो जाए थोड़ा, तो उड़ जाए जल्दी आए क्यों ना गए। देख क्या कुछ खाना, और तनु इसने नाश्ता कर लिया, कृष्ण ने क्या क्या खाया, क्या क्या खाया? आलू पराठे कितने हो गए? बस कुछ और प्लान होगा खाने का, और तो कोई चक्कर नहीं है भाई साहब। क्या तो जी हमारे जी रिश्तेदार आए थे, कल आए थे हमारे रिश्तेदार, ये रात को और आज सुबह निकल भी लिए। अरे इनका रीजन निकलने का है भाई, यहाँ फ्रिज चल रहा है, खाने में लहसुन प्याज तो कुछ है नहीं यहाँ, तो ना सोचा फुर हो यहाँ से तो टाइम सर, 1 महीना कुछ नहीं मिलना खाने नू, ठीक है। तो दोनों रिश्तेदार निकल लिए इनका, भाई टाइम सर निकलो, यहाँ तो फ्रिज चल रहा है इनका, राशन पानी तो कुछ बनना नहीं वैसा। अच्छा भाई, अच्छा अच्छा भाई, अरे अच्छा भाई, भाई तो कर दिया, ठीक है भाई, चलो चलो छोड़ कर The next day. तो भाई धुंध ना बहुत ज़्यादा होनी स्टार्ट हो गई है। मैं तो सुबह 4:45 बजे जिम के लिए आया था घर से जिम तक सिर्फ, और यहाँ पे ही मुझे इतनी दिक्कत आई धुंध के लिए। तो धुंध मतलब ज़्यादा स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा होनी, ठंड तो चलो होती है, धुंध भी अभी से पड़ने स्टार्ट हो गया। तो भाई सेफ ड्राइविंग रखना, जो भी सुबह को अर्ली मॉर्निंग या शाम को ड्राइविंग करेंगे कहीं अपने जॉब से या कहीं से, तो सेफ ड्राइविंग रखना, क्योंकि इस उसमें ड्राइविंग का सीन बड़ा ख़तरनाक होते हैं यार। और ऐसे मौसम में ना यार मन तो कर रहा है कहीं बाहर जाके घूमने का, पर क्या करें यार, बस जिम और रेस्टोरेंट जाते हो, कहीं घूमने भी नहीं गया। वरना 3-4 महीने में ना मैं एक आधा अपना ट्रिप निकाल देता था घूमने का, अभी फ्रेज चल रहा है उस चक्कर में शायद कहीं घूम भी नहीं पाऊँगा, पर जल्दी कहीं प्लान बनाता हूँ कि बहुत मन कर रहा है, बहुत टाइम हो गया मैं कहीं घूमने नहीं गया। और ऐसी सर्दी देख के ना वैसे ही सबका मन कर रहता है घूमने का। अब मैं आपको ना जिम के बाहर से दिखाता हूँ कि धुंध कितनी हो रही है, जिम देखना आप कैसे दिखा, जिम भी नज़र आ रही और मैं जिम के बिल्कुल थोड़ी बाहर खड़ा हूँ बस। ये देखो अगर आपको जिम भी दिख रही हो, इतनी धुंध हो रही है इस टाइम, जिम भी कितनी ब्लर दिख रही है।
और मैं जिम से थोड़ी दूर खड़ा हूँ सिर्फ। तो अभी जिम है खाली, सिर्फ एक ही क्लाइंट है क्योंकि अभी बजे हैं सिर्फ 5 और कोई सर्दियों में इतना आता नहीं है। और आपको मैं एक बात बता दूं भाई साहब, मैंने अभी धुंध के बारे में बोला था ना, तो धुंध के बारे में ये मत समझना कि मैं ये कह रहा था जिम भी ना हो, कहीं बाहर जाने, किसी ने कहीं बाहर जाना है, वरना बच्चे ना छोटी छोटी बात पकड़ लेते हैं मेरे, कहते हैं भैया यार आपने वीडियो में दिखा रहा धुंध है, ध्यान से ड्राइव करो करो, तो जिम आने में ड्राइविंग लगती है। तो भाई ड्राइविंग मतलब अपने एरिया से बाहर जाने की, ठीक है। जिम का मैं आपको एक सीन बता देता हूँ भाई, ये 4 महीने हमारे पास ऐसे हैं ना सर्दियों के जिसमें हम अपनी बॉडी बहुत चेंज कर सकते हैं, बहुत चेंज। ये 4 महीने ऐसे होते हैं हमारे पास सर्दियों के जिसमें हम मतलब ये नहीं मैं कहता कि आप अपनी ड्रीम बॉडी हासिल कर सकते हो, आप मतलब एक अच्छी फिजिक हासिल कर सकते हो जो एक बंदा चाहता है कि बस जो कर नहीं पा रहा। ये 4 महीने ऐसे होते हैं, तो इन 4 महीने तो जिम करो करो, मार्च तक तो ऐसे हैं कि फाड़ू बंदा जिम कर सकता है अच्छी डेडिकेशन से और जिसे मज़ा भी आएगा। भी 4 महीने ऐसे होते हैं, इन 4 महीनों को गवाओ मत। तो जो अभी भी जिम नहीं आ रहे ना, सर्दी कारण लेट गए यार, सुबह कौन उठे वो उठे, तो भाई जग जाओ अब, इन जगह ना तो वक्त जगाएगा तुम्हें, तो इससे बढ़िया अभी खुद ही जग जाओ, ठीक है जी। और जिम करो, सुबह नहीं आता शाम करो यार, आप जहाँ भी जिम करते हो सुबह नहीं करते तो शाम को आप लोग जिम करो, पर जिम करो ब्रो, जिम करो, गर्ल्स भी जिम करो, घर ना बैठो कि भाई सर्दी हो गई है अब नहीं जाता, अंधेरा जल्दी होना क्या हो गया, अंधेरा जल्दी होने लग गया, तो जिम करो जहाँ भी आप कर रहे हो वहाँ उठो और अपने हेल्थ के लिए कुछ करो। अब मैंने लाइटें ऑन करी थी क्योंकि अतुल नहीं आया भाई अभी तक, अतुल की बहन की शादी करने के बाद ही वो आएगा, अभी नहीं आता, तो मैंने अभी लाइटें ऑन की थी जिम की, तो मैं एक चीज़ देख रहा था। पहले ना मैं इन चीज़ों पे गौर नहीं करता था क्योंकि ना हर एक स्टाफ काम करता सारा, अपर जिम मुझे खोलनी पड़ रहा, तो मुझे अब दिख रहा है। अभी देखो ये पानी पीने वेस्ट पानी है, ये जो वेस्ट पानी बच्चे डालते हैं, इसमें कॉफ़ी के पाउच पड़े हैं, इसमें वो पड़े हैं, इसमें ना चिंगम पड़ी हुई है और उधर बादाम पड़ा हुआ है, पर चलो ठीक है। एक तो कॉफ़ी के पाउच जब डस्टबिन है हमारे पास तो वहाँ डाल दो, यहाँ के मिले कॉफ़ी पाउच आके यार, और ये चिंगम्स पता नहीं क्या। तो भाई बस मेरा बताने का दिखाने का है ना एक मकसद था कि भाई जब आप चिंगम बाहर से लेके मतलब आप खरीदते बाहर से और आप खाते बाहर से आते खाते हो, मतलब जब आप जिम के बाहर से आ रहे हो आप खाते हो आ रहे हो, तो यार चिंगम भी थ्रो बाहर कर दिया करो, जिम में चिंगम थ्रो करने मतलब क्या है। आप इसमें कुछ गलत मत लेना, ये हर एक जिम के ओनर्स की कहानी होगी, मोस्टली होती है यार, मोस्टली बच्चे ऐसे कर देते हैं, तो उन्हें समझाना हमारा फ़र्ज है कि भाई जिम है। अब देखो अगर मैं जिम का ओनर ना होता, मैं यहाँ पानी पीने जाता और मैं पानी के अंदर देखा किसी के मुंह से निकला हुआ थ्रो किया हुआ चिंगम पड़ी हुई है, तो आई डोंट फील बेटर यार, मैं अपना बता रहा हूँ। तो मैं जब अपने ऊपर वो चीज़ करता हूँ तो मैं बाकी कस्टमर्स का भी तो देखूँगा ना, तो चिंगम को ऐसे थ्रो मत करो ना यार, क्योंकि किसी के मुंह से थ्रो हुई एक चीज़ अगर हम आंखों आगे देखेंगे तो हमें वैसे ही अच्छा लगेगा, जो थ्रो कर रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें उनका ध्यान रखा करो यार, तो प्लीज़।